हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी, और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए लेक्चर में, जहां आज हम देख रहे हैं आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लास्ट चैप्टर, दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो हमारे चैप्टर का नाम है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज। तो इस चैप्टर में हमको सिंपल सी दो तीन चीजें सीखनी है। पहला है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसका मीनिंग देखेंगे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कितने टाइप की ब्रीच होती है, ठीक है, और उसकी रेमेडीज क्या है। अगर मान लो ब्रीच हो गया तो अब उसकी रेमेडी क्या है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम क्या एक्शन ले सकते हैं। तो बेसिकली दो मोटे मोटे टॉपिक्स अपने को इस चैप्टर में पढ़ने हैं। पहला, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसका मीनिंग क्या है, ब्रीच कितने टाइप से होते हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, और फिर दूसरा उसकी रेमेडीज क्या है। तो ये वाला जो चैप्टर है बेसिकली तीन पार्ट्स में मैं आपको लेके आने वाला हूं आप सभी के सामने, जिसमें हम टॉपिक छोटे छोटे डिवाइड करके अपन पढ़ेंगे, जिसमें आज के लेक्चर में अपन देखने वाले हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग और टाइप्स ऑफ ब्रीच, दैट इज दो टाइप के ब्रीच होते हैं, एक होता है एक्चुअल ब्रीच और दूसरा होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच। इसको अपन आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा जो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, वो मैं आपको इस लेक्चर के एंड में बताने वाला हूं। क्लियर बात है एकदम, तो एकदम लास्ट तक बने रहना। आते हैं अपन अपने टॉपिक पे। पहला टॉपिक है अपना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, दो पार्टीज जब एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रॉमिस करती है कि भैया मैं सो एंड सो थिंग आपके लिए करूंगा, दूसरी पार्टी भी पहले पार्टी को बोलती है कि भैया मैं सो एंड सो थिंग आपके लिए करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे मान लो लेटेस्ट वाला आया है अपना आईफोन 16, ठीक है, लेटेस्ट आया आईफोन 16, ए बोलता है बी को कि मैं लॉन्च डेट जैसे ही होगा ना, पहला फोन जो फैक्ट्री से ऐसे बन के आएगा वो मैं तुम तक पहुंचाऊंगा। बी बोलता है ठीक है, जैसे ही मुझे फोन मिलेगा मैं तुमको 3,00,000 रुपए उसका आईफोन का पे कर दूंगा। तो यहाँ पे ए ने प्रॉमिस किया बी को कि उसको आईफोन देगा, बी ने प्रॉमिस किया कि भैया वो उसको तुरंत तुरंत 3,00,000 रुपए उसका पेमेंट कर देगा। अब मान लो हो जाता है ये सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती है जहां पे आइदर ऑफ द पार्टी, या तो ए या तो बी, अपना जो प्रॉमिस है या जो कॉन्ट्रैक्ट में बात की गई है उसको नहीं कर पाते हैं या करने से मना कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ए मना कर दे कि भाई मैं आपको लॉन्च डेट के दिन जो फैक्ट्री से पहला आईफोन मैन्युफैक्चर होकर निकलेगा वो मैं आपको डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, या बी मना कर दे कि भैया मैं आपको 3,00,000 रुपए नहीं दे पाऊंगा। ध्यान रखना ये कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद की बात हो रही, पहले की बात नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। अब ए ने बी को फोन दिया, बी बोलता है भाई 3,00,000 नहीं दूंगा मैं, इसका 2,50,000 दे दूंगा। तो यहाँ पे ए अगर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो दिस इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ बी। यानी जब कोई भी एक पार्टी अपने ऑब्लिगेशन को, ठीक है, जो उन्होंने प्रॉमिस किया है वो करने से मना कर दे। अब वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, बट अगर कोई पार्टी अपने वादे को निभाने से मना कर देती है तो दिस इज नोन एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन वेरी 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 सिंपल टर्म्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब टेक्स्ट रीड करते हैं, थोड़ा और अच्छे से डिटेल में अपन पढ़ते हैं बढ़िया से। लिखा है, पढ़ो मेरे साथ, पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट आर बाउंड टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन। एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी ऑब्लिगेशन होती है दोनों पार्टीज को, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक को फॉलो करना है, दोनों ही पार्टीज को अपने अपने पार्ट की ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना होता है, अपनी अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करना होता है। इफ एनी पार्टी फेल्स टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड अपॉन हिम, ही इज सेड टू हैव कमिटेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर उसमें से कोई एक पार्टी, चाहे ए हो या बी हो, उस काम को करने से मना कर देती है या अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर पाती है तो बोला जाता है कि उस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट का क्या किया है, ब्रीच किया है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को दिया है, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को क्या किया, वायलेट किया है। थस ब्रीच मींस फेलियर और रिफ्यूजल। फेलियर यानी कर नहीं पाना, या रिफ्यूजल यानी मना कर देना, दोनों अलग अलग चीज है। पहला ए ने प्रॉमिस किया कि भैया मैं तुमको आईफोन लाके दूंगा, अब वो अगर मना कर दे कि मैं पहला आईफोन फैक्ट्री में से जो निकलेगा वो लाके दूंगा ही नहीं, ठीक है, पहले उसने हाँ बोला था बाद में वो मना कर दिया, दिस इज व्हाट रिफ्यूजल। पहला वाला क्या है, फेलियर मतलब उसने बहुत ट्राई किया बट ट्राई करने के बाद भी जो पहला पीस दुकान से निकला, फैक्ट्री से निकला, वो किसी और डीलर ने ले लिया, तो उसने ट्राई किया बट जो उसने प्रॉमिस किया था वो उसको फुलफिल नहीं कर पाया, दैट इज फेलियर। दूसरा है रिफ्यूजल, यानी वो साफ साफ मना ही कर दे कि भैया ये काम मैं नहीं करूंगा। तो फेलियर हो या रिफ्यूजल हो ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी लॉफुल एक्सक्यूज। ध्यान देना, विदाउट एनी लॉफुल एक्सक्यूज का मतलब क्या है, पार्टी सामने वाली प्योरली कंपिटेंट थी, कॉन्ट्रैक्ट में जो उसकी ऑब्लिगेशन थी वो उस पर काम कर सकती थी बट जानबूझ के वो नहीं करी, ठीक है। पार्टीज वो काम कर सकती थी, देवर एकदम फिट टू परफॉर्म द एक्टिविटीज, बट फिर भी वो काम नहीं करते हैं, तो बिना कोई लॉफुल एक्सक्यूज के जब हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते हैं इट इज नोन एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक और एग्जाम्पल आपको देता हूं, जैसे मान लो एक बहुत बड़े डांसर का शो आपने बुक किया, ठीक है, आपकी शादी थी, आपने उस डांसर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपको भैया एक स्टेज एकदम परफॉर्मेंस आके देनी है एकदम जोरदार वाली, ठीक है। डांसर ने बोला ठीक है भैया मैं आके परफॉर्मेंस दे दूंगा, इतना इतना पैसे भिजवा देना, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब मान लो आपकी शादी थी, उसके एक दिन पहले डांसर का हो जाता है एक्सीडेंट और उसके पैर में हो जाता है फ्रैक्चर, ठीक है। अब डांसर भैया हॉस्पिटल में एडमिट है,
क्या उस केस में वो आके डांस परफॉर्म कर सकता है क्या? आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं कर सकता भाई, वो अब मेडिकली फिट नहीं है डांस करने के लिए, तो वो कहां से करेगा। तो ये हमको समझ में आता है कि ठीक है, जेन्युइन रीजन के कारण, एक लॉफुल एक्सक्यूज के कारण भैया सामने वाला पार्टी अपने जो कॉन्ट्रैक्ट में जो उसकी ऑब्लिगेशन थी उसको परफॉर्म नहीं कर सकता। पर मान लो उसी का उल्टा, डांसर फिट एंड फाइन है, उसको ना कोई बीमारी है ना उसका कोई एक्सीडेंट हुआ, बट फिर भी वो जानबूझ के बदमाशी करे और अपनी परफॉर्मेंस ना दे, तो उस केस में बोला जाएगा कि डांसर ने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया। आई होप इट इज वेरी मच क्रिस्टल क्लियर आप लोगों को कि ब्रीच का मीनिंग क्या होता है। कोई भी पार्टी अगर फेल हो जाती है अपने ऑब्लिगेशन को मीट करने में, या रिफ्यूज कर देती है, मना कर देती है कि भैया मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी विदाउट एनी फ्रूटफुल या जस्टिफाइबल रीजन, तो उसको हम बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, दो तरीके से हो सकते हैं। पहला होता है एक्चुअल ब्रीच, सेकंड है अपना एंटीसिपेटरी ब्रीच। तो कितने टाइप के ब्रीच हो गए, दो टाइप के ब्रीच हो गए, नंबर वन इज एक्चुअल ब्रीच एंड सेकंड इज एंटीसिपेटरी ब्रीच। तो टोटल दो टाइप के ब्रीच है जिसको अपन अब बढ़िया से आराम आराम से हौले हौले से समझेंगे और आज के इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। पहले आते हैं अपन फर्स्ट पॉइंट पे, दैट इज एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी जहां पे हम बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट का एक्चुअल ब्रीच हुआ है, आओ समझते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकर्स वेन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस इज ड्यू, वन पार्टी फेल्स और रिफ्यूजेस और नेग्लेक्ट्स टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्चुअल ब्रीच को पहले तो एमसीक्यू क्वेश्चन, अदर नेम क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट ब्रीच। होता क्या है, ये दो चीजें यहाँ पे और है, या तो पहला वाला पॉइंट हो सकता है या दूसरा वाला पॉइंट हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, या दोनों में से कोई एक भी होगा तो भी हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल ब्रीच हो गया। क्या बोल रहा है यहाँ पे, वेन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, काम चल रहा है। जैसे मान लो आपने एक सोफा सेट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, अब काम उस पे चालू हो गया है, अब बीच में जो आपका कारपेंटर है वो मना कर दे, बोले कि भैया मैं अब इसको नहीं बना पाऊंगा, दिक्कत हो गई है, तो वो क्या हो गया, एक्चुअल ब्रीच। दूसरा है यहाँ पे एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस इज ड्यू, मतलब परफॉर्मेंस का टाइम ड्यू है, अभी टाइम आया नहीं है। मान लो आज है 10 तारीख, आपने एक किसी पर्सन से प्रॉमिस किया है, आपने किसी पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि 15 तारीख को मेरे घर में मान लो 10 डब्बे बड़े बड़े वाले फेविकोल के भिजवा देना, ठीक है। तो अभी क्या है, टाइम ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, ड्यू है, वो 11 तारीख को भिजवाएगा क्या, नहीं, 15 तारीख के पहले आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। 15 को अगर वो नहीं भिजवाता है तो वो ब्रीच हो जाएगा, तो टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ड्यू है। अब मान लो दुकान वाला जो है वो 13 तारीख को मना कर दे कि भैया 15 तारीख को मैं आपको फेविकोल का डब्बा नहीं भिजवा पाऊंगा, तो भी ये क्या होता है, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर वो फेल हो जाता है करने से या रिफ्यूज कर देता है, नेग्लेक्ट कर देता है, 15 तारीख हो गई बट वो भिजवा ही नहीं रहा है, आप फोन कर रहे हो आपका फोन ही नहीं उठा रहा, तो इस केस में क्या होता है, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला क्या है, वर्क चालू हो गया है, बीच में मना कर दे, क्या हो गया, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, वर्क चालू नहीं हुआ है, टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ड्यू है और उसके पहले ही सामने वाला पार्टी फेल हो जाता है या रिफ्यूज कर देता है या नेग्लेक्ट कर देता है काम करने से, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं अपन। Actual breach discharges the contract. It gives the right to the agreed party to sue the party at fault for damages for breach of contract. अब इसमें जो दूसरी सामने वाली पार्टी को जो भी नुकसान हुआ है, जो भी डैमेजेस हुआ है, उसके पास वो राइट आ जाता है कि वो अगली पार्टी के ऊपर केस कर सकती है कोर्ट में जाके, और उससे वो जो भी डैमेजेस हुआ है उसको वो रिकवर कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, राम एग्रीज टू डिलीवर 15 टन्स ऑफ राइस टू श्याम। राम ने एग्री किया कि वही 15 टन चावल क्या है वो शाम को भेजेगा ऑन 7th July, शाम को 7th July को भेजना है। He fails to do so on 7 July. This is the breach of contract by Ram. ये क्या हो गया? राम के साइड से breach of contract यहाँ पे होगा, क्योंकि उसने 7 तारीख को मिस्टर शाम को उसने 15 टन चावल जो है वो सेंड नहीं किए। तो दिस इज वॉट एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। आते हैं अपन अपने इस वीडियो के, इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक पे, आज के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हौले हौले छोटा छोटा करके पढ़ेंगे, स्मॉल मिलाते जाएंगे, लार्ज बनाते जाएंगे और कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। मैं नहीं चाहता कि आपको मैं लंबे लंबे एक एक दो दो घंटे की वीडियो बना के दूं और एक ही बार में मैं सब चीज खत्म कर दूं। उसका भी टाइम आएगा, मैराथन वगैरह अपन देखेंगे, टाइम मिलेगा, प्लान हो पाएगा, अपन उस चीज को भी प्रॉपरली करेंगे। बट अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो अभी आपको आराम आराम से धीरे धीरे करके, भले दिन में थोड़ा थोड़ा पढ़ो, बट इतना पढ़ो कि भैया दूसरे बार ना उसको वापस दिमाग लगा के पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अब सिर्फ रिवाइज करो, देखे एक्चुअल ब्रीच जो मैंने नोट्स में इंपॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट करके रखा उसको आपने ऊपर ऊपर से देखा, याद आ गया कॉन्सेप्ट, रिवाइज हो गया, काम खत्म, ठीक है। तो इसलिए अपन धीरे धीरे करके आराम से पढ़ेंगे। आते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच पे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकर्स, पहला, when party repudiates his liability under the contract before the time of performance is due, और दूसरा, when a party by his own act conduct disables himself from performing the contract। तो पहला क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन बन के आ सकता है एंटीसिपेटरी ब्रीच का दूसरा नाम। तो दूसरा नाम क्या है इसका, दूसरा नाम है कंस्ट्रक्टिव ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच का दूसरा नाम क्या है, कंस्ट्रक्टिव ब्रीच। अब इसमें भी दो पॉइंट्स है, इन सिचुएशन में हम मानेंगे कि भैया एंटीसिपेटरी ब्रीच हुआ है। पहला क्या है, व्हेन अ पार्टी रेप्यूडेट्स हिज लायबिलिटी, एक पार्टी अपनी लायबिलिटी को रेप्यूडेट कर देती है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस इज ड्यू, या तो पार्टी
by his own act of conduct disables himself from performing the contract. या तो पार्टी कुछ ऐसा काम कर दे, अगली पार्टी कुछ ऐसा ही काम कर दे, तो सामने वाली पार्टी को उसके पार्ट की जो ऑब्लिगेशन है, जो ड्यूटीज है, उसको परफॉर्म करने से रोक दे. तो ये दो केसेस बनते हैं अपने एंटीसिपेटरी ब्रीच के. एग्जाम्पल देता हूं, नीचे दिए गए हैं दो एग्जाम्पल, मस्त तरीके से समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट. पहला एग्जाम्पल वन, ए एग्रीज टू मैरी बी. ए कॉन्ट्रैक्ट करता है या एग्री करता है बी से शादी करने के लिए. बिफोर द एग्री डेट ऑफ मैरिज ही मैरिजेस डी. ही मैरिज डी, क्या हो गया? अब ए ने बी को बोला था कि भैया मैं आपसे शादी करूंगा, बट बिफोर द डेट ऑफ मैरिज वो क्या कर लेता है, इससे डी से वो शादी कर लेता है. द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन रिपीटेड बाय ए बाय हिज कंडक्ट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ इट्स परफॉर्मेंस. द ब्रीच हियर इज एंटीसिपेटरी ब्रीच. ब्रीच यहां पे क्या हो गया? एंटीसिपेटरी ब्रीच हो गया. यानी एक पार्टी ने कुछ ऐसा काम कर दिया परफॉर्मेंस ड्यू के पहले, एक पार्टी ने कुछ ऐसा काम कर दिया कि पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट को अब आप कर ही नहीं सकते. क्या आप फोर्सफुली ए को बोलोगे कि नहीं भैया अब तुम डी को डाइवोर्स दो और बी से ही शादी करो? क्या ऐसा हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि बोलो कि नहीं भैया डी से भी आपने शादी कर ली, ठीक है बी से भी कर लो? ये भी बहुत हद तक पॉसिबल नहीं है यहाँ पे. क्लियर बात है? तो यानी एक पार्टी ने कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे क्या हो गया, पहला वाला कॉन्ट्रैक्ट करना ही अब पॉसिबल नहीं है, उस केस में क्या बोलेंगे? एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर है? सेकंड एग्जांपल पे आते हैं अपन. वरुण एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई अरुण विद सर्टेन आर्टिकल्स ऑन 1st of June. वरुण कॉन्ट्रैक्ट करता है अरुण से कि भैया उसको कुछ सामान सर्टेन आर्टिकल्स 1st of June को भेजेगा. बिफोर 1st of June वरुण इन्फॉर्म्स अरुण दैट ही विल नॉट बी एबल टू सप्लाई द आर्टिकल्स. द ब्रीच कमिटेड बाय वरुण हियर इज एन एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, एक तारीख से पहले वरुण ने बोल दिया अरुण को कि भैया मैं आपको एक तारीख तक सामान नहीं दे पाऊंगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, वरुण के साइड से क्या हो गया, एंटीसिपेटरी ब्रीच हो गया है. एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट इटसेल्फ डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट. द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज ओनली व्हेन द एग्रीड पार्टी एक्सेप्ट द रेप्यूडिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? एंटीसिपेटरी ब्रीच एक ऐसा ब्रीच है जिससे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होता. तब तक डिस्चार्ज नहीं होता जब तक सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर ले कि भैया ठीक है कॉन्ट्रैक्ट का जो है वायलेशन हुआ है यहाँ पे, और अब कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे खत्म होता है. वेरियस एक्चुअल ब्रीच में क्या है, अगली वाली पार्टी ने मना कर दिया काम करने से और नहीं कर पाया, कॉन्ट्रैक्ट टूट चुका है, खत्म हो चुका है, आप एक्शन ले सकते हो. बट एंटीसिपेटरी ब्रीच के उसमें क्या होता है, जब तक पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती कि हाँ भैया मुझे डैमेजेस हुए हैं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट ठीक से नहीं हो पाया, जो सामने वाले ने बोला था वो उसने करके नहीं दिया, तब तक क्या है, कॉन्ट्रैक्ट रहता है एक तरीके से. आगे, if he does not accept the repudiation, the contract continues to exist and may be performed by the other party if possible. अगर सामने वाली पार्टी भैया एक्सेप्ट ही नहीं करती है, बोलती है कि नहीं भैया आपको तो ये काम करना ही पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंटिन्यूएशन में, तो उसकी जगह वो क्या बोल सकते हैं कि भैया किसी अदर पार्टी को आप अपनी जगह में ले आओ और ये काम कर दो. जैसे हमारे एग्जाम्पल नंबर टू में वरुण बोल रहा है कि मैं आपको गुड्स सप्लाई नहीं कर पाऊंगा. अब अरुण को तो गुड्स चाहिए ही चाहिए, वो बाद में डैमेजेस क्लेम करेगा ठीक है, बट डैमेजेस चलो एक आपका रिकवरी का जरिया है जो आपको लॉस हुआ है. बट कई बार क्या होता है कि वो लॉस आपको रिकवर करने के लिए आप ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते, आपको आपका काम मैटर करता है. तो उस केस में अरुण बोल सकता है वरुण को कि भैया ठीक है आप नहीं कर सकते, हमारे बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आप अपने किसी भाई को या किसी और डीलर किसी और सप्लायर को बोल दो कि वो मुझे सामान दे दे, मैं मान लूंगा कि भैया आपने मुझे सामान दे दिया है. तो इस तरीके से भी यहाँ पे काम हो सकता है. कहने का मतलब ये, अगर एक पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती है कि कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडेट हो चुका है, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू चलते रहता है और अदर पार्टी इसको आके परफॉर्म कर सकती है अगर सामने वाली पार्टी उसमें एग्री है तो. दिस इज नोन एज आपका एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट टॉपिक आपको दिख रहा है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज सेक्शन नंबर 73, जिसको अपन कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जल्दी जल्दी से आप तक आ जाएगा. तब तक मैं होप करूंगा कि आप इस वीडियो पे मिनिमम 21 लाइक्स तो कर दोगे, और जितना जल्दी आप 21 लाइक्स इस वीडियो पे कर दोगे फटाफट से आपको अगला पार्ट इसका देखने को मिल जाएगा. तो विद दिस आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करेंगे. लास्ट तक बने रहने के लिए, अपना वैल्युएबल टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद.